वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.2 आई हैव टू टेल यू वन थिंग दैट ऑन पेज नंबर 12 देयर इज अ सॉल्व एग्जांपल टू व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। टिक दैट प्रॉब्लम एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। उसके 3 फिगर्स गिवन है। हम गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मतलब इन तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल है जिनको रे पीएम बाइसेक्ट करता है एंगल QPR को। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 1.2 के बता दूंगा। तो एंड तक बने रहेगा। तो सॉल्व करेंगे पहले के लिए फर्स्ट फिगर क्या जाएगा हमारा। लेंथ दिया हमें QM। QM की लेंथ क्या है 3.5। MR की लेंथ क्या है 1.5। देन PQ की लेंथ हमें दी है 7। PR की लेंथ दी है हमें 3। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम था वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, रेशियो किसका QM अपॉन MR का रेशियो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू QP अपॉन PR। तो क्या लिखेंगे, पहले तो QM अपॉन MR का रेशियो निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, झट से सॉल्व करेंगे इसको, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो QM अपॉन MR इज इक्वल टू क्या था उनका रेशियो, 3.5 अपॉन 1.5। तो नीचे सेकंड रेशियो किसका लेंगे हम, यहां जहां पे एंगल बाइसेक्टर बना है वो दो साइड तो हो गई। अब क्या बचता है हमारा, QP एंड PR लेंगे। QP अपॉन PR तो क्या हो जाएगा हमारा, 7/3। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा हमारा, 7/3। मतलब ये 1 और 2 हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल यहां प्रूव हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम, QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम। मतलब यहां कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एंड में आंसर में क्या लिखेंगे, यस रे पीएम बाइसेक्ट्स सेल QR। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे सेकंड के लिए। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड पे। यहां क्या दिया है हमें, वैल्यूज गिवन लिख देंगे, आर पी इज इक्वल टू 7, पी क्यू इज इक्वल टू 10 एंड आर एम इज इक्वल टू 6, एम क्यू इज इक्वल टू 8। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लेंगे, इन दोनों का रेशियो एंड इन दोनों का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। ये चेक करना है हमें। तो पहले आर एम अपॉन एम क्यू के लिए लिखेंगे, इसका क्या जाता है, आर एम अपॉन एम क्यू, ये वही है। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 6/8। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। इसको दे देंगे 1। देन क्या बचा हमारा, आरपी एंड पी क्यू, आरपी अपॉन पी क्यू, इसके लिए क्या आ जाएगा, 7/10। इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते तो लिखेंगे इसको 2। तो ये हमारा इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, इज नॉट इक्वल टू आरपी अपॉन पी क्यू। तो हमारी कॉन्वर्स प्रॉपर्टी जो थी एंगल बाइसेक्टर की यहां प्रूव हो रही है क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ
एंगल क्यू पी आर. नोट डाउन दिस. करते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री सॉल्व. तो प्रॉब्लम नंबर थ्री में सेम करेंगे, वैल्यूज पुट डाउन करते हैं. पहले आर एम इज इक्वल टू फोर, एम क्यू इज इक्वल टू 3.6, देन आर पी इज इक्वल टू 10 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 9. तो पहले लेंगे इस साइड के जहां बायसेक्टर कर रहा है उनके रेशियो लेंगे पहले. तो देखते हैं क्या आता है. एम आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 4/3.6. देन ये तो साइड हो गई, आगे क्या देखेंगे. तो आगे क्या लिखेंगे, आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू. ये क्या हो जाएगा, 10 एंड ये 10/9. तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा 36. इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9. मतलब हमारा 10/9 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है. मतलब क्या आ रहा है हमारा, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू. इसका मतलब क्या, कॉन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारा यहां सेटिस्फाई हो रहा है. तो क्या लिखेंगे, रे पी एम इज बायसेक्टर ऑफ, बायसेक्टर ऑफ किसका बायसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर. नोट डाउन दिस. तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू यहां डिस्प्ले कर दूंगा उसकी ये फिगर, और ये गिवन में लिखा है. तो मैंने पहले ये लिख दिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में पीएम हमें दिया है 15, पी क्यू ये होल पी क्यू ये पूरी साइड दी है हमें 25, देन पी आर ये पूरी साइड दी है हमें 20 एंड एन आर ये छोटी साइड, एन आर क्या दिया है हमें 8. देन क्या पूछा है हमें, स्टेट वेदर द लाइन्स एन एम एंड क्यू आर पैरेलल एंड गिव द रीजन. मतलब हमें क्या दिया, यहां कुछ वैल्यू दे के रखी है और पूछा है कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल है क्या, एन एम एंड आर क्यू. तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमने बीपीटी थ्योरम सीखा था, उसमें क्या सीखा था, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो इनका प्रोपोर्शन सेम होगा. अगर यहां प्रोपोर्शन सेम आ गया तो लाइन पैरेलल आ जाएंगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. तो सॉल्व करेंगे पहले तो प्रोपोर्शन के लिए. तो पहले तो क्या करेंगे हम, पी क्यू लाइन में हमें एम क्यू की वैल्यू पता नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे. पहली तो बात, होल लाइन पी क्यू इज मेड अप ऑफ पीएम एंड एम क्यू, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, पीएम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे भाई, पीएम की वैल्यू 15 प्लस एम क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है जो कि कैलकुलेट करनी है, पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 25. तो आगे क्या हो जाएगा, एम क्यू इज इक्वल टू 25-15, एम क्यू की वैल्यू निकल के आती है हमारी 10, सॉरी 10. एम क्यू की वैल्यू हमें निकल के आई, वो निकली हमारी 10. पी एम की वैल्यू गिवन है दैट इज 15. पी एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन आर की वैल्यू क्या है गिवन, 8. अब हमें पी आर की वैल्यू पता है तो पी आर की वैल्यू से हम पी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, यहां लिखता हूं, सेग और साइड ऑफ ट्रायंगल इज पी आर इज मेड अप ऑफ सेग पी एन एंड सेग एन आर. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर. हो गया है, यहां तक तो याद है हमें. चलो आगे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट डाउन करेंगे. पीएन की वैल्यू पता नहीं, वही हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस एनआर की वैल्यू 8, देन पीआर की वैल्यू 20. तो
पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा 12, मतलब हमें पी एन की वैल्यू मिल गई 12। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इनका प्रोपोर्शन पी एन अपॉन एर एन आर एंड इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, यही रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो ही ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्यों, बाय द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो पहले तो पी आर बाय एन आर का रेशियो निकालेंगे, पी आर अपॉन एन आर इज इक्वल टू क्या आता है 12/8, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, ये होगा इक्वेशन 1। देन साइड पी क्यू के लिए पी एम अपॉन एम क्यू क्या हो जाएगा 15/10, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। हमारा 1 and 2 इक्वेशन सेम आ रहा है, मतलब ये दो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब क्या, लाइन एन एम लाइन क्यू आर से पैरेलल है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी कैन राइट दैट पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। इसका मतलब क्या, इससे हम लिख सकते हैं लाइन एन एम पैरेलल टू लाइन आर क्यू। तो ये किस क्यों आएगा, इसका रीजन हमें पूछा है, तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। नोट डाउन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, तो इसको टिक कर लीजिएगा। अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, तो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम एंगल बायसेक्टर पे वो इम्पोर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम में आती है, तो हमें एंगल बायसेक्टर के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन यहां आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एम एन, मतलब ये साइड एम एन की वैल्यू दी है 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। हमें एक ट्राइंगल दे दिया, उसमें एंगल बायसेक्टर दे दी, और तीन साइड्स गिवन है, तो हमें सिर्फ रिमेनिंग 4th साइड निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं बाय विच थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले आंसर कैसे लिखना है इसका, जैसे मैं बताऊं वैसे ही आंसर लिखना है आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाने में ही हमारा फायदा है, और उससे ही हमें अच्छे ज्यादा से ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एकदम सिद्धत से जाएंगे, क्या हो जाएगा पी एन पी इन ट्रायंगल लिखेंगे पहले, तो इन ट्रायंगल एम एन पी रे क्या है हमारा एन क्यू क्या कर रहा है बायसेक्ट्स एंगल एन। तो इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू बायसेक्ट्स एंगल एन, तो आगे लिखेंगे इसको आधा मार्क होता है आपको ये स्टेप लिखना ही पड़ेगा, बाय विच प्रॉपर्टी यू आर प्रूविंग यू दैट प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसकी वो प्रॉब्लम किस प्रॉपर्टी पे बेस्ट है वो ही आपको लिखना पड़ेगा, उसको भी मार्क होगा। तो ये स्टेप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आ जाएगा, हमने एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल में सीखा था किसका रेशियो किससे सिमिलर होना चाहिए, एम क्यू अपॉन क्यू पी का रेशियो इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी से मैच होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो ही हमारा ये होता है। पर हमें गिवन कंडीशन क्या है, वो एंगल बायसेक्टर पहले से है, तो थ्योरम का यूज करके क्या लिखेंगे हम, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी
वैल्यूज डाल देंगे, क्या आ जाएगा एम क्यू की वैल्यू 2.5। क्यू पी है क्या हमें पता नहीं, उसको ही फाइंड करना है। एम एन की वैल्यू 5 एंड एन पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। तो क्यूपी को हम रीअरेंज करेंगे क्यूपी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्यूपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 2.5 अपॉन, ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 हमारा, और 2 को 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। तो हमारी क्यूपी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 3.5। नोट डाउन दिस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्प्ले यहां हो जाएगा। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन, दो एंगल्स की हमें मेजर्स गिवन है। हम प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो हमें प्रूव क्या करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, जो कि हमने भी पीटी थ्योरम में प्रूव किया था। पर यहां कैसे करना है, जो यहां गिवन है उसी से ही हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे, क्या है एपी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या है दूसरा एंगल, ए बी सी दोनों की मेजर क्या एंगल की 60 डिग्री। देन तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू कॉन्गरेंट टू एंगल ए बी सी। तो हमने गिवन से तो यह पता कर लिया कि एंगल ए पी क्यू एंड एंगल ए बी सी कॉन्गरेंट है। ये दो एंगल कॉन्गरेंट हो जाने से क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइंस में का जो डिफरेंस है कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो आगे क्या लिखेंगे, सेग पी क्यू, सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग बी सी। पता चल रहा है आपको, सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग बी सी। क्यों, क्योंकि दो जो हमने एंगल्स गिवन दिए थे क्वेश्चन में उनको ही कंसिडरेशन में लेके हमने क्या प्रूव किया, पी क्यू एंड बी सी के अंदर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू सेग बी सी। इसको क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लेंस। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है, वही मैं रिवीजन कर देता हूं। इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग लिखता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। यहां तक तो आ गए हम। इससे ही क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको बिल्कुल भी। ये जो वर्ड सेंटेंस लिखना है उसमें तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग बी सी। ये अगर होगा तो क्या हो जाएगा, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, अगर दो लाइंस, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होगी तो रिमेनिंग टू साइड्स प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएंगी, रेशियो उनका इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एपी अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। नोट डाउन दिस, किसे प्रूव किया हमने, बाय बीपीटी थ्योरम। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आधे आधा मार्क कट कर सकते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, सेंटेंस भी लिखने, क्यों आया, किससे लाया हमने, किसके प्रूफ से हमने ये प्रूव किया, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी टिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस एक्सरसाइज में जितने भी एंगल बाइट सेक्टर के क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है, वही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी सेग ए बी पैरेलल सेग पी क्यू पैरेलल से डीसी। मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है। देन क्या दिया है हमें, एपी इज इक्वल टू 15, एपी की वैल्यू दे दी उन्होंने 15। आगे दिया है पीडी इज इक्वल टू 12, पीडी इज इक्वल टू 12 लिख लिया हमने। क्यूसी इज इक्वल टू 14,
तो हमें कैलकुलेट फाइंड बी क्यू। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी क्यू साइड को। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी, आपको याद होगा तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। उसमें क्या बताया था हमें, अगर तीन लाइन पैरेलल होगी एक दूसरे से तो उनकी जो बीच में की जो ट्रांसवर्सल होगी वो उनका रेशियो इक्वल आएगा। तो सेम यहां भी तीन पैरेलल लाइन है, ये दो को हम ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे तो क्या जाएगा, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यूसी। तो पहले हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। यह तो हो गया हमारा गिवन। अब हमें हम किस थ्योरम से और प्रॉपर्टी से यह प्रूव कर रहे हैं वो यहां लिखना पड़ेगा, किस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यूसी लिखेंगे, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यूसी। वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे सिंपली, 15 पीडी की वैल्यू 12, बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बी क्यू को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, क्यूसी की वैल्यू 14। तो इसका क्या आएगा, रीअरेंज करके बी क्यू क्रॉस कर देंगे सिंपली, बी क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू 15 × 14। तो बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मल्टीप्लीकेशन में यहां आ जाएगा तो डिवीजन में 15 × 14 / 12। तो यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहां 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे यहां भी 7 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 / 2। इसका कैलकुलेशन आएगा 17.5। तो वैल्यू ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ के बताता हूं। फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन फिगर। फिगर में जो इन्फॉर्मेशन दे दिया हमें उससे हमें क्यू पी फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये, यहां जहां एंगल बाइसेक्ट किया है ये एंगल सेम प्रोपोर्शन में बाइसेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। इससे हम क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सेंटेंस भी आपको बीच में लिखना है तो किस प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव किया है। तो जाएंगे इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू बायसेक्ट्स सेग, सॉरी रे एन क्यू बायसेक्ट्स एंगल एन और एंगल एम एन पी लिखेंगे, रे एन क्यू बायसेक्ट्स एंगल एम एन पी। तो आगे क्या लिखेंगे, ये एंगल बायसेक्ट कर रहा है तो बाय लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। वह वैल्यू डाल देंगे, एम क्यू की वैल्यू क्या है 14, क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है, एम एन की वैल्यू क्या है 25 अपॉन एन पी की वैल्यू क्या है 40। तो इसको
कर देंगे हम सिंप्लीफाई, क्यूपी इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू 40, यहां लिख दूंगा मैं क्यूपी इज इक्वल टू क्या जाएगा 25 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 14 इंटू 40 अपॉन 25। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड होगा 5, यहां जाएगा 8, तो आगे क्या हो सकता है क्यूपी हमारा आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 22 अपॉन 4। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ के बताता हूं आपको। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये तीन लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और ये दो लाइन क्या हो जाएंगे हमारी ट्रांसवर्सल। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स क्या होता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी में रेशियोज क्या आता है, इक्वल बीडी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू एसी अपॉन सीई। तो लिखेंगे हम गिवन में, गिवन में क्या दिया है, तीन लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, वही लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ईएफ, ईएफ हो गया हमारे तीन पैरेलल लाइंस। देन हम किस थ्योरम या प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, बाय वो भी लिखना पड़ता है हमें, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो भाई क्या आ जाएगा हमारा, रेशियो ऑफ बीडी अपॉन डीएफ इज इक्वल टू एसी अपॉन सीई। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, बीडी की वैल्यू 8, डीएफ की वैल्यू 4, एसी की वैल्यू 12 एंड सीई की वैल्यू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये 4 इंटू 12, तो x ये 8 मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 अपॉन 8, 1 यहां 2 से डिवाइड होगा और यहां 6। तो वैल्यू ऑफ x क्या निकल गया हमारा 6। और एक चीज निकालनी थी हमें AE, मतलब AE की लेंथ निकालनी थी हमें, तो AE इज मेड अप ऑफ एसी प्लस सीई। तो लिखेंगे AE इज इक्वल टू एसी प्लस सीई, तो एसी की वैल्यू क्या है 12, सीई की वैल्यू हमने अभी निकाली 6, तो क्या हो जाएगा AE की वैल्यू ये हो जाएगा 18। नोट डाउन दिस, x की वैल्यू निकालनी थी एंड AE की वैल्यू, नोट डाउन दिस। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो जाएगा, आपको पढ़ के बताता हूं। इन ट्रायंगल LMN, रे एम टी बायसेक्ट्स एंगल LMN। तो क्या दिया है, ट्रायंगल LMN दिया है, रे एम टी बायसेक्ट्स एंगल LMN। देन क्या दिया है हमें, इफ MN इज इक्वल टू 10 एंड TN, मतलब ये वाली साइड TN इज इक्वल टू 8, देन फाइंड LT, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें तो क्या दिया पहले, गिवन अच्छे से लिखना है, किस प्रॉपर्टी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो लिखना है, देन हमें कैलकुलेशन करना है। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल हो गया हमारा LMN, रे एम टी क्या है हमारा एंगल बाय सेक्टर ऑफ विच एंगल, एंगल LMN, लिखेंगे एम टी, रे एम टी बाय सेक्ट्स एंगल LMN। देन प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम,
बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में है, तो आप वो बाइसेक्टर्स के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वो टिक कर लीजिएगा और वो सॉल्व करना है आपको अच्छे से, वही आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, सिंपली वो 2 ही मार्क के लिए आते हैं। तो चलो क्या हो गया हमारा गिवन लिख दिया, लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, एल 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 टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन लिखेंगे, एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन। तो आगे वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, एल टी की वैल्यू हमें पता नहीं है वही कैलकुलेट करेंगे, एल टी अपॉन टी एन की वैल्यू क्या दी है हमें 8 इज इक्वल टू एल एम की वैल्यू 6, एम एन की वैल्यू 10। तो एल टी क्या हो जाएगा हमारा 6 × 8 डिवाइडेड बाय 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अभी कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 एंड देन ये हो जाएगा 24/5। तो एल टी की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, आगे लिखता हूं, एल टी इज इक्वल टू 4.8। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये उसकी फिगर यहां क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा। इफ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सेक बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, इफ एबी इज इक्वल टू एक्स, बीसी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एडी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड डीसी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करके दिया, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपको, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। तो क्या लिखेंगे पहले, तो गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी लिखेंगे, रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। तो किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहां, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे वैसा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी लिखेंगे वैसा, यहां से जाता हूं मैं पहले, ए बी अपॉन बीसी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी। चलो लिखते वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू एक्स, बीसी की वैल्यू एक्स प्लस 5, ए डी की वैल्यू एक्स माइनस 2 देन डीसी की वैल्यू एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। कैलकुलेशन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें क्या करूंगा, एक टर्म से पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में इस टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे माइनस 2x, इससे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 5x माइनस 10। यहां तक आ गया, अब आगे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, अब क्या बचा हमारा 2x, लिखता हूं वैसे मैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5x, क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3x माइनस 10। तो आगे क्या होगा, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन। तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, क्या क्या होगी हमारी, x इज इक्वल टू टेन। नोट डाउन दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू टेन। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया हमें, एक्टिविटी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन को टिक कर लो। ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो क्वेश्चन टेन यहां डिस्प्ले हो जाएगा, क्या दिया है हमें, इन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, एक्स इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट एक्स इज जॉइंड टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट एक्स जॉइंड टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन सेक पी क्यू पैरेलल टू डीई, पी क्यू पैरेलल टू डीई। देन सेक क्यू आर पैरेलल टू ईएफ, सेक क्यू आर पैरेलल टू ईएफ। देन फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेक पी आर पैरेलल टू डीएफ। यहां आपको बॉक्स मिलेंगे, मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, वही हमें जो बुक में दिया है वैसे का वैसा मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम सिंपली, क्योंकि अगर हम मैं एक ट्रायंगल चूज करूंगा तो उसमें से जाने वाली लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है, मतलब ये दो और ये दो इनका रेशियो क्या आने वाला है, इक्वल। तो करेंगे आगे कैलकुलेट, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इस साइड का एक्स डी ई, पी क्यू पैरेलल डी ई, ये क्या है, यहां पहले वाले में लिखेंगे गिवन, अलग कलर से लिखते हैं आपको पता चलेगा, ये आ जाएगा हमारा गिवन, सॉरी गिवन। देन इस ट्रायंगल में क्या दिखा, क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी एक्सपी अपॉन पीडी, यह हो जाएगा एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू, एक्सपी अपॉन पीडी होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहां क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की तरह, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये तो हो गया बाय बीपीटी। देन इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, यहां भी बीपीटी अप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या दिया था, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर लाइन ई एफ से पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा यहां क्वेश्चन मार्क की जगह गिवन। देन बाय बीपीटी से हम किसके रेशो ले सकते हैं कंसिडरेशन में, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, आर एफ, ये हो जाएगा टू बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। देन फ्रॉम वन एंड टू क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स एक्सपी बाय पीडी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ लिखेंगे वैसा, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू एक्सपी अपॉन पीडी, पीडी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर ये दोनों इस दोनों के रेशो से इक्वल आता है तो सेग आर पी सेग डी एफ से पैरेलल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने सीखा था इन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में, अगर प्रोपोर्शन में दोनों साइड्स हो जाएंगी तो जो लाइन ट्रायंगल ट्रायंगल के तीसरी लाइन से पैरेलल होती है, तो ये हमने पढ़ा था कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में। नोट डाउन दिस, सॉल्व करेंगे लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2, क्वेश्चन नंबर 11, यहां आ जाएगा डिस्प्ले पे आपके। इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, रे सी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, इफ सेग एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग एसी, देन प्रूव ईडी इज पैरेलल टू बीसी। जैसा क्वेश्चन था हमें दिया हुआ वैसे हमने फिगर ड्रॉ कर ली, आपको ये फिगर
आपकी बुक में नहीं दिखेगी, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने एज इट इज क्वेश्चन जैसा पढ़ा वैसे फिगर ड्रॉ कर ली। आगे हमें क्या प्रूफ करना है, ईडी बीसी को पैरेलल है। तो पहले तो हम एंगल बायसेक्टर दे दिए उन्होंने, इसलिए एंगल बायसेक्टर के प्रॉपर्टी से क्या निकलता है वो देखेंगे, बाद में हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल एबीसी पहले इस एंगल बायसेक्टर की बात करेंगे, रे बी डी बायसेक्ट्स एंगल एबीसी लिखेंगे सॉरी रे बी डी बायसेक्ट्स एंगल एबीसी। ये बायसेक्ट हो जाएगा तो क्या प्रोपोर्शन में आएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी लिखेंगे बाय एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये इसको दे दूंगा हम मैं इक्वेशन वन। तो आगे इस बायसेक्टर के लिए ले लिया, अब क्या करेंगे इस बायसेक्टर के लिए देखेंगे। तो यहां बायसेक्टर हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो रे सीई बायसेक्ट्स एंगल ए बी सी ए सी बी सॉरी ए सी बी लिखेंगे रे सीई बायसेक्ट्स एंगल ए सी बी। आ गए यहां तक, क्या करेंगे इसमें भी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी लिखेंगे, तो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी ईबी। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर टू। तो हम इक्वेशन में क्या दिया था, सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी, मतलब ट्राइंगल के ये दोनों साइड्स सेम है, इक्वल है, तो इसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए सी। ये होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन टू एंड थ्री इससे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, वन टू थ्री से लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। तो इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन फोर। तो क्या क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले ये एंगल बाय सेक्टर के लिए प्रॉपर्टी लगाई, फिर ये एंगल बाय सेक्टर के लिए एंगल बाय सेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई, देन हमने इक्वेशन में क्या गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड्स इक्वल्स है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्रॉम वन एंड वन टू एंड थ्री से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। यहां तक हम आ गए। तो आगे अगर ये सारी कंडीशंस मिला देंगे वन टू थ्री फोर, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी का मतलब क्या है, पहले तो लिखता हूं फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर ए बी के वैल्यू क्या है, ए डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, अब आगे ए सी अपॉन सी बी के वैल्यू क्या है, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी हो गया क्या, मतलब हमने ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी की जगह उनकी जो वैल्यूज इज इक्वल टू में हम बायसेक्टर प्रॉपर्टी से निकाले थे वही हमने डाल दी, तो क्या मिला हमें, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। इसको दे देंगे हम, नहीं इसको कुछ नहीं देंगे, इसको बॉक्स कर देंगे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो जगह मैंने प्रॉपर्टी कर सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम सेग ईडी इज पैरेलल टू साइड बीसी, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो लिखेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम,
बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, सेग ईडी पैरेलल टू सेग बीसी। हेंस प्रूव्ड, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।